नमस्कार दोस्तों, यहाँ अपन आज शुरू करते हैं अपने हिंदी में एक टॉपिक लेते हैं, लिंग का टॉपिक लेते हैं। और लिंग का अपने परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न बनता भी है, जैसे एसआई है, रीट है और पटवार है, एलडीसी है, इनमें अधिकतर मात्रा में लिंग के प्रश्न बनते हैं। तो अपन आज लिंग के बारे में पढ़ते हैं, लिंग वचन काल है, इनके बारे में आज देखिए। अपन यहाँ देखिए अपन लिंग, ठीक है, इन लिंग के बारे में देखें कि सबसे पहले देखें कि लिंग होता क्या है। लिंग क्या है कि लिंग किसी की पहचान के लिए, लिंग किसी पहचान के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला चिन्ह है, ठीक है। पहचान या चिन्ह क्या है, पहचान है लिंग, क्या है पहचान है या फिर चिन्ह है, क्या है चिन्ह है कि किसी को अपन किस प्रकार से पहचान, अपने किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उस पहचान के लिए लिंग का होना या चिन्ह का होना आवश्यक है। जैसे अपन बात करें, एक शब्द है जैसे पेन, अपन बात करें पेन और एक है पेंसिल, इनमें अपन बात करें तो इनमें कौन सा लिंग है। पेन की बात करें, पेन क्या है, पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग, और पेंसिल क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से देखें कि लड़का, लड़का क्या है, लड़के में कौन सा लिंग है और लड़के में कौन सा लिंग है, ठीक है। इनमें देखें लड़का क्या है, पुल्लिंग है, और लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से इनमें पहचान करना कि ये किस वस्तु का, मतलब यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसका निर्धारण करने वाला ही क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है, ठीक है। लिंग जैसे, लिंग वैसे व्यक्ति विशेष में या मनुष्य में ही नहीं होता, हर एक वस्तु में लिंग होता है। जैसे अपन बात करें पंखा है, पंखा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। फोन है, फोन भी क्या है, पुल्लिंग है। अपन बात करिए बोर्ड है, बोर्ड क्या है, बोर्ड क्या है, पुल्लिंग है। और अपन स्त्रीलिंग में बात करें अलमारी, अलमारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और देखिए किताब या पुस्तक ले लें, किताब पुस्तक, तो और तो ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार से इनका निर्धारण करने वाला ही क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। पहचान करना है कि इनमें ये किस में जाते हैं और ये किस में है, इनका पहचान करने को ही लिंग कहते हैं, इसकी पहचान को ही क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। आया समझ में, आगे देखें। लिंग अपने हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ देखिए लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत अभी अपन नहीं पढ़ रहे, संस्कृत में होगा तब देखेंगे। संस्कृत में, हिंदी में लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन इनकी परिभाषा की बात करें तो पुल्लिंग की परिभाषा देखें, पुल्लिंग की कि वे संज्ञाएं वे संज्ञाएं जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अगर जिनसे स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे, और जैसे यहाँ अपन देखें कि पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं, जैसे यहाँ देखिए अपन, जैसे दादा, पिता, चूहा, बंदर,
नौकर और लड़का, ये सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है कि नहीं है। दादा, पिता, चूहा, बंदर, नौकर और लड़का, ये सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इनमें अब आगे अपन बात करें स्त्रीलिंग की, स्त्रीलिंग की परिभाषा की। देखें, वे संज्ञाएं, वे संज्ञाएं जिनसे जिनसे स्त्री जाति का स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उन्हें उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इनमें अपन इनका उदाहरण देखें, ये वाले, ठीक है, इनकी बात करें, ये पुल्लिंग में तो ये हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में इन्हीं को देखिए अपन। यहाँ पर दादा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगा, पिता का क्या हो जाएगा, माता, चूहा का क्या हो जाएगा, चूहिया, बंदर का क्या हो जाएगा, बंदरिया, क्या हो जाएगा, बंदरिया, नौकर का क्या हो जाएगा, नौकरानी, वो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की। इन्हीं कोई पुल्लिंग को अपने स्त्रीलिंग रूप में बदल सकते कि नहीं बदल सकते, जैसे दादा का दादी, माता का पिता का माता, चूहा का चूहिया, बंदर का बंदरिया, नौकर का नौकरानी और लड़का का लड़की। इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों को अपने स्त्रीलिंग रूप में भी बदल सकते हैं। ठीक है, जिनका पुल्लिंग होता है उनका स्त्रीलिंग भी अपन बना सकते हैं। सभी शब्दों का नहीं बनता, लेकिन कुछ शब्दों का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बदल सकता है या फिर अपन बना सकते हैं। सभी का नहीं बदलता है, ठीक है, कुछ शब्दों का ही बदलता है। ठीक है, यह हो गया स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी अपन संज्ञा से अपन पहचान नहीं कर सकते, उनकी पहचान जो क्रिया से होती है। यहाँ देखिए अपन, जैसे कुछ शब्दों की पहचान संज्ञा से ना होकर, संज्ञा से ना होकर क्रिया से पहचान की जाती है। कि कुछ शब्दों में क्या होता है कि उसकी पहचान संज्ञा से नहीं हो पाती है, संज्ञा से ना होकर क्रिया और किससे होती है, क्रिया से उसकी पहचान होती है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द देखें, जैसे कुछ संज्ञा शब्द है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मंत्री और मैनेजर, राजदूत, इनकी अपन पहचान इन शब्दों से नहीं कर सकते। कि उपराष्ट्र की राष्ट्रपति शब्द क्या है, और इनका अपन उदाहरण लेकर देखें, जैसे प्रधानमंत्री आए, एक तो शब्द ये हो गया, एक शब्द ये है कि प्रधानमंत्री आई। यहाँ पर अपन इनका लिंग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री से अपन इसका लिंग नहीं निकाल सकते कि प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, इसका निर्धारण अपन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो क्रिया लगी हुई है, ये वाली क्रिया, इस क्रिया से अपन इसका लिंग निकाल सकते हैं दोनों साइडों में। यहाँ पर क्या है, आए मतलब कौन आए, प्रधानमंत्री आए, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर यहाँ ये शब्द है, जैसे प्रधानमंत्री आई, तो यहाँ ये और किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। प्रधानमंत्री आए
पुल्लिंग हो जाएगा, प्रधानमंत्री आई क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से राष्ट्रपति आई पुल्लिंग हो जाएगा, राष्ट्रपति आई स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस प्रकार से इनका लिंग जो है किससे निर्धारित होता है, क्रिया से निर्धारित होता है, संज्ञा से निर्धारित नहीं होकर किससे होता है, क्रिया से इनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आगे अपन देखें कि किस कि अपन कुछ शब्दों में अकारांत शब्द है। अकारांत का अर्थ होता है जिसके जिस शब्द के अंत में एस एस रहता हो, जिसके अंत में क्या हो, ए रहता हो, उनको अपन क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। अकारांत जो है जिसके लास्ट में एस एस रहता है उसको अकारांत कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, जोड़कर अपन क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग रूप उसका बना सकते हैं। ठीक है, कि अगर किसी शब्द में लास्ट में एस एस रहता है उस एक ही जगह पर अपन आ जोड़कर उस वाक्य उस शब्द का स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए शब्द है अपने पास अध्यक्ष। अध्यक्ष किसके लिए प्रयुक्त होता है, अध्यक्ष कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसका अपना स्त्रीलिंग रूप बनाया तो क्या हो जाएगा, इसका अध्यक्षा क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अध्यक्ष है पुल्लिंग के लिए, अध्यक्षा स्त्री के लिए। ठीक है, और देखिए इसमें जैसे सुशील शब्द है, सुशील शब्द क्या है पुल्लिंग, इनके लास्ट में क्या शेष रहता है, एस एस रहता है। सुशील में आज लास्ट में आज जोड़ दे अपन तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुशीला हो जाएगा, वो सुशीला क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा इसका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखें यहाँ पर जैसे अनुज शब्द है, अनुज में आ जोड़े तो क्या हो जाएगा, अनुजा, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, अनुजा का मतलब हो जाएगा छोटी बहन। ठीक है, अनुज का अनुजा। ठीक है, सूत का जैसे कोई शब्द है सूर्य, सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखिए इसमें जैसे मूर्ख शब्द है, मूर्ख है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मूर्खा। वो सूत शब्द है, सूत में स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूता। ठीक है, इस प्रकार से अपन आ जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे अध्यक्ष का अध्यक्षा, सुशील का सुशीला, अनुज का अनुजा, और सूर्य का सूर्या, सूत मूर्ख का मूर्खा, सूत का सूता। इस प्रकार से अपन इसका लिंग बदल सकते हैं। और देखें कुछ शब्दों का अपन किस प्रकार से लिंग बदल सकते हैं वो अपन देखें। कि अपन कुछ शब्दों का ही इनमें जोड़ का बदल सकते हैं, सभी शब्दों का अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ अपन देखें कि पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर अपन स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे कोई किसी शब्द के पुल्लिंग शब्द में इन जोड़कर क्या जोड़ना है, इन जोड़कर स्त्रीलिंग रूप अपन बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखें शब्द है जैसे सुनार में अपन इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सुनारिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, सुनार का क्या हो जाएगा, सुनारिन। और जैसे चमार में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चमारिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चमारिन। और देखें और जैसे लोहार शब्द है, लोहार में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लोहारिन। ठीक है, जैसे सांप शब्द है, सांप में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सांपिन, क्या हो जाएगा, सांपिन। नाग शब्द है, नाग में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नागिन। पाप शब्द है, पाप में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पापिन,
क्या हो जाएगा, पापिन। ठीक है, जैसे सुनार को, पुल्लिंग को सुनार कहते हैं, तो अपन सुनार को, सुनार है, और अपन जैसे किसी व्यक्ति की बात करते थे कि वह सुनार है, तो पुरुष को सुनार कहते हैं, तो महिला को क्या कहेंगे, सुनारिन कहेंगे। चमार है को, और तो इस, वो तो इस, और तो इसको स्त्रीलिंग को, और ये स्त्रीलिंग को क्या कहेंगे, चमारिन कहेंगे। लोहार है, लोहार का लोहारिन हो जाएगा, सांप का सांपिन, नाग का नागिन, पाप का पापिन। इस प्रकार से इनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बदल सकते हैं। और देखिए अपन इसमें जैसे कि कुछ शब्दों में अपन मादा जोड़कर उनका स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। यहाँ देखें, मादा जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अपन जैसे शब्द है भालू, भालू का अपन क्या करेंगे, भालू के शब्द के आगे मादा जोड़ेंगे, मादा भालू। ठीक है, खरगोश शब्द है, खरगोश का अपने को स्त्रीलिंग रूप बनाना है, तो क्या करेंगे, खरगोश के आगे जोड़ देंगे मादा, मादा खरगोश, क्या हो जाएगा, मादा खरगोश। ठीक है, और देखें इसमें मक्खी है, मक्खी का स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मादा मक्खी। ये नहीं कि सर मक्खी तो पहले ही स्त्रीलिंग है, मक्खी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक ही, पुल्लिंग के लिए मक्खी होता है और स्त्रीलिंग के लिए मादा मक्खी, मक्खा शब्द प्रयोग नहीं होता है, और हाँ तो शब्द का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं करना है, मक्खी पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए अपन क्या जोड़ते हैं, मादा जोड़ते हैं, तो ये स्त्रीलिंग रूप बनता है, मक्खी का पुल्लिंग मक्खा नहीं होता है। ठीक है, और देखें खरगोश मक्खी, और क्या जोड़ इसमें, जैसे भेड़िया है, भेड़िया का क्या हो जाएगा, मादा भेड़िया। इस प्रकार से अपन इसका रूप बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते, कि इसमें क्या करना है कि मादा जोड़कर अपन इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, बन गया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए अपन कुछ शब्दों में आईने जोड़कर, क्या आईन जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, आईन जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास शब्द है, आईन जोड़ना है अपने को किसी शब्द के पीछे, जैसे ठाकुर शब्द है, पुरुष को ठाकुर कहते हैं, तो महिला को क्या कहेंगे, महिला को कहेंगे ठाकुराइन, क्या कहेंगे, ठाकुराइन। ठाकुराइन नहीं होता, क्या होता है, ठाकुराइन होता है, ठाकुराइन गलत हो जाता है, और इन शब्दों को शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे चौधरी है, चौधरी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, चौधरानी, क्या होता है, चौधरानी या फिर चौधराइन। ठीक है, दोनों शब्द इसी के होते हैं। और देखिए पंडित का, पंडित का क्या हो जाता है, पंडिताइन। पुरुष को पंडित कहते हैं, महिला को क्या कहते हैं, पंडिताइन कहते हैं। ठीक है, और देखें जैसे कोई शब्द चोबे, जैसे जाति विशेष शब्द है, चोबे, चोबे का क्या हो जाएगा, चोबाइन हो जाएगा, चोबाइन। अगर डूबे शब्द है, डूबे का क्या हो जाएगा, डूबे का दुबाइन, क्या हो जाएगा, दुबे का दुबाइन। अगर यहाँ पर मुंशी शब्द है, मुंशी का क्या हो जाएगा, मुंशी आइन, मुंशी याइन। इस प्रकार से अपन पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे ठाकुर को ठाकुराइन कहते हैं, ये प्रश्न जैसे ठाकुराइन है, चौधाइन है, पंडिताइन है, चौबाइन है, ये परीक्षा में अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि चौधरी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, चौधरानी होता है, चौधरी, चौधरीनी होता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पर अधिकतर बच्चों का गलत होता है।
यहाँ पर अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ठाकुरायन करते हैं, ठाकुरायन या फिर ठाकुरानी, तो उनका ये गलत हो जाता है। क्या सही क्या होता है, ठाकुरायन सही शब्द होता है, ठाकुरायन भी गलत होता है और ठाकुरायन भी गलत होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और ये लिंग में भी पूछा जाता है। ठीक है, और देखें कि कुछ शब्दों में इका जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। इका शब्द जोड़कर, इका जोड़कर स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे इसमें देखें इका शब्द जोड़कर भी अपन बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कोई शब्द है पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर लेखक, लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, लेखिका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेखक के अंतर्गत अपन ने क्या कर दिया, लेखक शब्द है, इसमें इका शब्द जोड़ दिया तो क्या हो गया, लेखिका हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, जैसे कुछ शब्द है नायक शब्द है, नायक में इका जोड़ना क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नायिका नायिका। ऐसे गायक है, गायिका क्या हो जाएगा, गायिका, गायक में गायक पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गायिका हो जाएगा। जैसे वो शब्द है नाविक, नाविक शब्द है, नाविका क्या हो जाएगा, नाविका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाविका। वो शब्द देखें जैसे निवेदक है, निवेदक में इक्का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निवेदिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निवेदिका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, गायक का गायिका, नाविक का नाविका और निवेदक का निवेदिका। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे और देखें कि कुछ शब्द और है, जैसे आगे कुछ शब्द और है उसका अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। यह अपन देखें कि तय शब्द में, इस तय शब्द को तय की जगह पर तय करके अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कि क्या करना है कि तय शब्द है, तय की जगह पर त्र जोड़ना है तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अपन शब्द देखे, कोई शब्द जैसे नेता, नेता किसके लिए प्रयुक्त होता है, पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है कि वह नेता है, और नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, नेत्री। क्या करना है, तय की जगह पर त्र जोड़ना है। ठीक है, नेता का नेत्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर त्रि शब्द जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, त्रि शब्द जुड़ जाएगा, त्रि शब्द जोड़कर अपन इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। नेता का नेत्री, जैसे कोई शब्द है अभिनेता, अभिनेता का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, अभिनेत्री हो जाता है, नहीं हो जाता। जैसे वो शब्द है रचिता, रचयिता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, रचयित्री, क्या होता है, क्या होता है, रचयित्री होता है। ठीक है, और इस शब्द, और इस शब्द को जो है शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। जैसे और देखिए कर्ता का क्या हो जाता है, कर्ता का कर्त्री। ठीक है, भर्ता का भर्तृ, शब्द बना सकते हैं कि तय शब्द की जगह पर त्रि शब्द जोड़ना है तो उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। और देखिए इसमें दाता का दात्री, विधाता का
विधात्री, विधायता का विधात्री और प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्त्री। इस प्रकार से अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। केवल क्या जोड़ना है, तय की जगह पर त्री शब्द करना है। तय की जगह पर त्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयित्री और कर्ता का कर्त्री, भर्ता का भर्त्री, विधाता दाता का दात्री, विधाता का विधात्री और प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्त्री। इस प्रकार से अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। आगे और देखें इनमें कि कुछ शब्द होता है, जैसे वान शब्द में वान का वती करके, ठीक है, और मान के मान में अति जोड़कर इसका स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे वान शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और इसका वती करेंगे तो स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। उसी प्रकार से मान पुल्लिंग शब्द है, इसमें और इसका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इसमें अति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखे, यहाँ शब्द है गुणवान, गुणवान कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ना है, वती जोड़ना है। वान की जगह पर वती जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। गुणवान है तो क्या हो जाएगा, गुणवती, क्या हो जाएगा, गुणवती, ठीक है। रूपवान है तो क्या हो जाएगा, रूपवती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। पुत्रवान है, पुत्रवान है तो क्या हो जाएगा, पुत्रवती हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। और जैसे और देखें इसमें, भगवान है, भगवान का क्या हो जाएगा, भगवती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भगवान का भगवती। क्या करना है, वान की जगह पर वती शब्द जोड़ेंगे तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप बदल जाएगा, ठीक है। और देखें इसमें धैर्यवान, धैर्यवान में वती जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धैर्यवती, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ देखिए मान में, जैसे श्रीमान शब्द है, पुरुष के लिए प्रयुक्त, पुरुष के नाम के आगे प्रयोग में लाया जाता है श्रीमान, और महिला के लिए क्या लाया जाता है, वो महिला के लिए क्या लाया जाता है, श्रीमती। श्रीमान में अति शब्द जोड़ना है, क्या जोड़ना है, मान में अति जोड़ना, मान की जगह पर अति शब्द जोड़ना है, ठीक है। और देखें आयुष्मान है, आयुष्मान का क्या हो जाएगा, आयुष्मती, ठीक है। आयुष्मान आयुष्मती कहाँ देखते हैं अपन, शादी के कार्ड में देखते नहीं देखते, तुम्हारा भी लग जाएगा, ठीक है। एक बार नौकरी लग जाओगे तो तुम्हारे भी कार्ड छपेगा और वहाँ पर आयुष्मान करके फिर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, आयुष्मान और आयुष्मती करके, ठीक है। और देखें इसमें बुद्धिमान, बुद्धिमान और महिला का क्या हो जाएगा, बुद्धिमती स्त्रीलिंग रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। इस प्रकार से अपन रूप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप, श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ठीक है। इस प्रकार से रूप बन गया, ठीक है। और अपन किसी शब्द में नी शब्द जोड़कर भी स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, नी जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे इसका देखें यहाँ पर अपन, जैसे शब्द है जाट, शब्द है जाट में नी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जाटने हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जाट शब्द है, जाट में क्या जोड़ना है, नी शब्द जोड़ना है, क्या हो जाएगा, जाटनी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऊँट शब्द है, ऊँट में नी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊँटनी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊँटनी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें सिंह शब्द है, सिंह में नी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंहनी हो जाएगा। और जैसे शेर शब्द है, शेर में नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शेरनी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे रीच शब्द है, रीच में नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रीचनी रूप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है।
और देखें मजदूर शब्द है, मजदूर में नि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मजदूर नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मजदूर को पुल्लिंग को मजदूर पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मजदूर नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें जैसे भील शब्द है, भील शब्द को स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिलनी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मोर है, मोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, स्त्रीलिंग रूप मोरनी। और चोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, चोर का चोरनी। इस प्रकार से अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। जाट का जाटनी, ऊँट का ऊँटनी, सिंह का सिंहनी, शेर का शेरनी, रीछ का रीछनी, और मजदूर का मजदूरनी, बिल का बिलनी, मोर का मोरनी, और ये चोर का चोरनी। इस प्रकार से अपन इनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। सभी शब्दों का नहीं बना सकते, लेकिन कुछ शब्दों का बना सकते हैं। जैसे अपन एक वाक्य का प्रयोग करें, जैसे दही खट्टा है और दही खट्टी है, ये वाक्य है अपने पास। तो दही खट्टा होता है खट्टी होती है, ये बताओ पहले। तो दही क्या होता है, खट्टा होता है। दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दही दही जमा नहीं जमा, अगर कोई अगर खट्टी कहता तो वह गलत है। कुछ लोग अपन जैसे कोई बात करते हैं पेंट, अपन अपने पेंट जो है पेंट पहनने की कि मेरी पेंट, और कुछ लोग तो कहते हैं मेरा पेंट कहाँ गया, और कुछ लोग कहते हैं मेरी पेंट कहाँ गई। तो वहाँ पर पेंट शब्द क्या है, पुल्लिंग है। और कुछ लोग कहते हैं मेरा शर्ट कहाँ गया, कुछ लोग कहते हैं मेरी शर्ट कहाँ गई। तो कुछ लोगों में यही नहीं पता कि उसको पुल्लिंग कहते हैं कि स्त्रीलिंग कहते हैं। शर्ट क्या है, शर्ट भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से शब्दों का निर्धारण करना आना चाहिए। ये यहाँ पर अपना लिंग समाप्त होता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग यहाँ नहीं होता है। ठीक है।